कहा यह जाता है कि आज से तकरीबन 18 साल पहले 23 अप्रैल के दिन 2006 को यूक्रेन के कीव शहर में एक 30 साल का व्यक्ति काफी पुराने टाइम के फैशन के कपड़े पहने पूरे शहर में घूमता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से शहर की लोकल पुलिस को उस आदमी पर शक होता है। इसलिए फौरन ही पुलिस हरकत में आती है और उस मिस्टीरियस आदमी को अरेस्ट कर लेती है। पर शायद ही पुलिस ऑफिसर की टीम को ये पता था कि न सिर्फ उनकी मुलाकात एक टाइम ट्रैवलर से होने वाली है, बल्कि इस घटना के बाद उनकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने वाला था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन था ये मिस्टीरियस शख्स और क्यों लोग ये मानते हैं कि ये आदमी एक सच्चा केस था टाइम ट्रैवल का, और तो और रिसर्चर की इन्वेस्टिगेशन के बाद इस आदमी को लेकर कौन सा सच सबके सामने आया था। घटना वाले दिन जैसे ही पुलिस को इस मिस्टीरियस आदमी की खबर लगती है, वो फौरन ही इस आदमी की तहकीकात के लिए पहुंचते हैं, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर ये देखते हैं कि एक घबराया हुआ आदमी रोड पर इधर उधर भटक रहा है, जो कि काफी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था और उसकी गर्दन पर एक काफी पुराने टाइप का कैमरा भी लटका हुआ था, जहां पर पुलिस के पूछने पर ये आदमी अपना नाम सर्जी पोनोमारेंको को बताता है। और तो और वो ये बोलता है कि कुछ देर पहले वो साल 1958 में कीव शहर में था, लेकिन अचानक से वो यहाँ आ गया, जिसके बाद पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस आदमी से उसकी आईडी मांगती है। और आईडी को देखते ही सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये आईडी उस कंट्री की थी जो 2006 में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जी हाँ, असल में ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर की थी। और आप लोगों को ये बता दें कि सोवियत यूनियन असल में 1991 में ही डिसॉल्व हो चुका था, और जिसके डिसॉल्व होने के बाद ही रशिया, यूक्रेन, अर्मेनिया जैसी 15 अलग अलग कंट्रीज फॉर्म हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उस टाइम पर सोवियत यूनियन की आईडी होना कोई बड़ी बात थी, बल्कि हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि उस आईडी में सर्जी की डेट ऑफ बर्थ 1932 की लिखी थी, जिसके हिसाब से इस व्यक्ति की एज 74 ईयर के करीब होनी चाहिए थी, लेकिन असलियत में ये आदमी सिर्फ 25 से 30 साल का ही दिख रहा था, जिसको देखते ही पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि मानो कुछ तो जरूर गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। इसीलिए पुलिस उस शख्स को अपनी हिरासत में ले लेती है। शुरुआत में पुलिस यही सोचती है कि असल में ये इंसान कोई पागल शख्स है, इसीलिए पुलिस की टीम पैब्लो क्रिटिकोव नाम के एक साइकेट्रिस्ट को सर्जी का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाती है, और प्रोफेसर पैब्लो के इंटरव्यू के दौरान सर्जी से ये पूछती है कि आखिरकार वो एयर 1958 से 2006 के एयर में कैसे आ गए थे। तभी जाकर ही सर्जी प्रोफेसर पैब्लो को ये बताते हैं कि असल में वो 23 अप्रैल 1958 के दिन अपनी फियांसे वैलेंटीना क्यूरिश के साथ थे, जहां वो उनकी तस्वीरें क्लिक कर रहे थे, पर अचानक से उनकी नजर एक यूएफओ पर पड़ती है, और जैसे ही वो इस यूएफओ की फोटो को क्लिक करते हैं, वो अचानक से साल 2006 में आ जाते हैं। हालांकि प्रोफेसर पैब्लो को सर्जी की इस बात पर थोड़ा शक होता है, इसीलिए सर्जी की बात को प्रूफ करने के लिए वो शहर के एक फोटोग्राफर एक्सपर्ट वैडिम पोजमैन को बुलाते हैं उनके कैमरा की जांच करने के लिए, जहां वैडिम उनका कैमरा देखकर ये बताते हैं कि ये कैमरा असल में 1950s के पीरियड में मैन्युफैक्चर हुआ था। पर सबसे हैरानी की चीज ये है कि उन्होंने कभी भी 1950s का कैमरा इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं देखा था, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी थी कि मानो ये हाल ही में फैक्ट्री से बनकर आया है। इसके साथ वैद्यम ये भी बताते हैं कि जो फिल्म इस कैमरे के अंदर लगती है, उसका प्रोड्यूस होना भी साल 1970s के पीरियड से ही बंद हो चुका है। इसके अलावा वैडिम सर्जी के क्लिक किए हुए नेगेटिव्स के फोटोज लैब में प्रोड्यूस करते हैं, जहां वो ये देखते हैं कि एक्चुअली में सभी फोटोज सेम ही थे जैसा कि सर्जी ने बताया था। सारे फोटोज ही कीव शहर में उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ही क्लिक किए हुए थे, जिसमें से कुछ फोटोज तो कीव शहर की उन बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर के थे जो आज के टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और तो और इन फोटोग्राफ्स में एक और फोटो भी मौजूद था, जिसमें एक यूएफओ भी थी, जिसको देखकर सर्जी प्रोफेसर को ये बताते हैं कि ये वही फोटो है जिसको क्लिक करते ही वो एयर 2006 में आ गए थे। इसके साथ उसी रात होटल की सीसीटीवी में जिसमें सर्जी को रखा गया था, वो ये रिकॉर्ड होता है कि सर्जी रूम के अंदर तो गए, लेकिन वहां से कभी बाहर नहीं लौटे, जैसे मानो रूम के अंदर ही वो कहीं गायब हो गए थे, क्योंकि ना तो उस रूम से बाहर जाने का कोई एक दूसरा रास्ता था, और तो और वहां की खिड़की पर भी आयरन बार्स लगे हुए थे, जिसका शायद ये मतलब था कि वो अचानक से सच में कहीं गायब हो गए थे।
सरजी के गायब होने की वजह से ये टाइम ट्रेवल मिस्ट्री काफी और पेचीदा हो गई थी, लेकिन प्रोफेसर पैब्लो को ये अंदेशा हो गया था कि ये सच में शायद एक टाइम ट्रेवल का ही केस है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन के हिसाब से दो शख्स जो कि अलग अलग स्पीड से टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, तो टाइम का इफेक्ट भी दोनों पर बिल्कुल ही अलग तरह से ही इफेक्ट करेगा। और अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझें, तो मानिए दो स्पेसशिप हैं, जिसमें से एक में बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र बैठे हैं और दूसरे में उनका बेटा तुषार कपूर। अगर जितेंद्र अपनी स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड से स्पेस में उड़ाते हैं और तुषार कपूर अपने स्पेसक्राफ्ट में अर्थ पर ही रहते हैं, जिसके बाद जब कुछ दिनों बाद जितेंद्र उस स्पीड से ही अर्थ पर वापस लौटेंगे, तो उनके हिसाब से तो सिर्फ 4-5 दिन ही बीते होंगे, पर अर्थ पर मौजूद लोगों के लिए 20-25 साल बीत चुके होंगे। इसी वजह से जितेंद्र तो उसी तरह यंग होंगे, पर तुषार कपूर बूढ़े हो चुके होंगे, तो इसीलिए टाइम अलग अलग इफेक्ट करेगा दोनों के लिए। तो क्या ये असली राज है जितेंद्र जी के जवान होने का? खैर, जितेंद्र जी का तो पता नहीं, पर यही असली वजह थी सरजी के 2006 में ट्रैवल करने के बावजूद भी यंग होने के। हालांकि सरजी के गायब होने के बाद पुलिस उनको ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है, हालांकि उनको सरजी का तो कोई पता नहीं लगता, लेकिन हाँ, उन्हें उन फोटोज में मौजूद सरजी की गर्लफ्रेंड का ट्रेस जरूर मिल जाता है, जो कि अब 74 साल की एक बूढ़ी महिला थी। और जब पुलिस सरजी की गर्लफ्रेंड से सरजी के बारे में पूछती है, तो वो ये बताती है कि सच में 1958 में सरजी पोनोमारेंको अचानक से गायब हो गए थे, लेकिन कुछ साल बाद वापस भी आ गए थे, लेकिन एक बार फिर से सरजी दोबारा से गायब हुए, जिसके बाद फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद उस बूढ़ी महिला ने पुलिस को सरजी का एक और फोटो भी दिखाया, जो सरजी ने उन्हें वापस लौटने के बाद दिया था, जो कि असल में साल 2050 का था। और इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि न सिर्फ इसमें सरजी की उम्र भी बढ़ गई थी, बल्कि अब उनके बैकग्राउंड में स्काई स्क्रेपर भी थी, जिसका ये मतलब था कि सरजी टाइम ट्रेवल करके 2050 में पहुंच चुके थे। जिसके बाद पुलिस ने सरजी की गर्लफ्रेंड के बयान का सच पता लगाने के लिए 1950s के पीरियड के रिकॉर्ड छानने शुरू किए, जहां उन्हें सच में एक रिपोर्ट मिली जिसमें सरजी पोनोमारेंको नाम के एक शख्स की गायब होने का रिकॉर्ड था। इसके साथ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सरजी का एक इंटरव्यू ढूंढ निकाला, जो उसने यूक्रेनियन और ताइवानीज टीवी स्टेशन को दिया था, जिसमें सरजी ने यह बताया था कि फ्यूचर में सभी के पास सेलफोन्स होंगे, और तो और उन्हें माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, जो उस टाइम पर एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये एक टाइम ट्रेवल का ही केस था? काफी लोग ऐसा ही बिलीव करते हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एक नकली कहानी भी हो सकती है, क्योंकि 2006 के पीरियड में सोवियत यूनियन की आइडेंटिटी कार्ड को कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके साथ भले ही जो कैमरा सरजी के पास था वो 1970s में बनना बंद हो गया था, लेकिन काफी विंटेज और आर्टिफैक्ट की शॉप पर इस जैसे पुराने कैमरे को खरीदना भी मुमकिन था। और सबसे बड़ा रीजन जो इस स्टोरी को फेक साबित करता है, वो है 2050 का सरजी का ये फोटो, क्योंकि अगर आप इस फोटो में दिखाई गई बिल्डिंग्स को गौर से देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि काफी बिल्डिंग इसमें ऐसी हैं जो एक जैसी ही दिखती हैं, मानो इन्हें एडिट करके कॉपी पेस्ट किया गया है। इसके अलावा जो फोटो क्वालिटी इस फोटोग्राफ की है, वो भी कहीं से 2050 की नहीं लगती, क्योंकि आज के टाइम पर इससे कहीं अच्छी क्वालिटी की फोटोज क्लिक करी जा सकती हैं। लेकिन हाँ, इस टाइप की क्वालिटी की फोटोज साल 2006 के कैमरा से जरूर क्लिक करी जा सकती थी, जो ये पुष्टि करते हैं कि ये कहानी फेक हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि सरजी पोनोमारेंको सच में एक असली टाइम ट्रेवलर थे, या फिर ये कहानी फैब्रिकेटेड थी? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।